संभल होली के पर्व से पहले शांति व्यवस्था को लेकर अपार पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। संभल होली पर्व से पहले पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। अपार पुलिस अधीक्षक ने भी नगर के रास्तों का भ्रमण किया। नगर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी की। अपार पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कहीं पर भी नई परंपरा नहीं डालनी चाहिए। कोई नई परंपरा डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। आने वाली होली के त्योहार में शांति व्यवस्था को लेकर पैदल मार्च फ्लैग मार्च किया गया। खासतौर पर वहां पर ध्यान रखा गया जहां कहीं भी विवाद न होने पाए। और संभल के अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह कार्यक्रम पैदल मार्च व फ्लैग मार्च होली के त्योहार तक चलता रहेगा और होली जहां जहां होली का दहन है वहां पर भी अपर पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया, जिसमें उपस्थित रहे संभल अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ संभल, थाना अध्यक्ष संभल व पुलिस फोर्स मौजूद रही। ये आने वाले त्योहार होली के संदर्भ में शांति व्यवस्था को लेकर पैदल मार्च फ्लैग मार्च किया गया। खासतौर पे उन जगहों को विशेष ध्यान रखा गया जहाँ पर बातचीत करी गई, स्पष्ट किया गया कहीं कोई बात नहीं है फिलहाल। और ये हमारा कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। सर, होलिका दहन जो स्थल है वहाँ का भी आपने निरीक्षण किया है? हाँ, होलिका स्थलों का भी निरीक्षण किया गया, इसमें मोहल्लों का और होलिका स्थलों का विशेष तौर से। ठीक है।